बस होश को बनाए रखना, हर समय होश में रहना ही आत्मज्ञान नहीं है। हम अपनी होश को हर समय बनाए रखते हैं, फिर भी हम स्वयं को नहीं जानते हैं। होश बनाए रखने से भी हम वही जानते हैं जो हम अपनी मन बुद्धि से जान सकते हैं। होश को जगाने से, होश में रहने से हमें सुविधा हो सकता है चीजों को समझने के लिए, स्वयं का वृत्तियों को समझने के लिए ये हमारा सहायक बन सकता है। पर होश में रहना ही आत्मज्ञान या मुक्ति नहीं है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं उस समय होश बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना होश बढ़ता जाता है उतना ही हम अपने भीतर हो रहा बदलाव को देख पाते हैं। हम में कब कैसा विचार आता है, उस विचार के कारण क्या होता है, कब कैसा भाव आता है, विचार से शरीर की अवस्था कैसे परिवर्तन होता है, शरीर की अवस्था से हमारा मन विचार कैसे परिवर्तन होता है। जब हम होश में रहने लगते हैं तो चीजें एकदम गहराई से साफ साफ दिखाई पड़ता है। साधारण हम जितना भी चीज जानते समझते हैं उसको हम बहुत गहराई से जानने समझने लग जाते हैं। जैसे हमें क्रोध आता है और क्रोध में हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और बाद में हमें पश्चाताप भी हो सकता है, हमें खुद पर बुरा लग सकता है। पर जब हम होश में होते हैं तब हम जानते हैं कि क्रोध आ रहा है, इसको देख पाते हैं और क्रोध हम कर रहे हैं ये भी देख पाते हैं और क्रोध कितना करना है और क्रोध में कितना करने से आगे जाकर पश्चाताप नहीं होगा, ये सभी बातें तभी समझ आता है। ऐसा नहीं कि क्रोध ही नहीं आएगा, क्रोध आ सकता है पर आते आते हम देख सकते हैं, आते आते उसको समझ सकते हैं। होश में हम जितना भी रहे वे आत्मज्ञान नहीं है। होश से हम बस शरीर में, मन में, विचार में, भाव में जो परिवर्तन हो रहा है, कब क्या होता है, किस समय क्या घटता है, बस इसमें ही सचेत हो जाते हैं, इसको ही जानने लगते हैं, इसको ही समझने लगते हैं। शरीर, मन, बुद्धि से परे कुछ भी नहीं जान सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। पर जब हम होश में रहकर ये चीज जानने समझने लग जाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहायक बन जाता है। बस हमें इसका अहंकार नहीं आना चाहिए। होश से जो भी जानते हैं बस उसका ही अहंकार आने लग गया तो फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। होश से जानो, पूरी चेष्टा करो, पूरी कोशिश करो, मन, बुद्धि, भाव, शरीर सब कुछ लगा दो, सब कुछ जानने के लिए होश को बहुत उपयोग करो। जो जानकर जानता ही जाता है, ज्ञान को पकड़ता ही जाता है, वे सच्चित आनंद का अनुभूति कभी नहीं कर पाता है और वे इसको मानता भी नहीं है। होश से ही जानते जाओगे, इसको ही ज्ञान मानते जाओगे, समझ से, बुद्धि से ही जानते जाओगे तो जो जानना था, जो मिलना था उससे तो वंचित ही रह जाओगे। होश से भी हम वैराग्य हो सकते हैं। होश से संसार को
खुद को समझ सकते हैं, अर्थात खुद की वृत्तियों को समझ सकते हैं। जब हम होश में रहते हैं तब ये भी हम कर सकते हैं कि कब क्या करना है, किस अवस्था में क्या करना है, कितना बोलना है, खुद को संयम कर सकते हैं। फिर भी ये एक परिधि की भीतर ही आता है। हमें पहले जानना है, जानने में जी जान लगानी है, होश को साधना है, समझ को बढ़ाना है, फिर जाननेपन से मुक्त हो जाना है। जब हम जाननेपन से मुक्त हो जाते हैं तब एक अद्भुत शांति आता है। उस शांति के लिए हमें जाननेपन से मुक्त होना नहीं है, वे तो अपने आप आ जाता है, पर उस शांति के साथ साथ बहुत कुछ आ जाता है। वो तो पहला चरण है, आगे बहुत कुछ आएगा। शांति के साथ साथ अशांति भी आएगा। जैसे शांति आकर चला गया वैसे ही अशांति आकर भी चला जाएगा। हमने जाना हुआ, हमने माना हुआ चीज से मुक्त होकर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि न जानने वाला का महत्व है न मानने वाला का। किसी का भी कुछ भी महत्व ही नहीं है। जो हम इतना महत्व देते हैं मैं को कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में इतना ज्ञान है, मेरा ये धर्म है, तब ये कुछ भी बात महत्व का नहीं रहेगा। तब हमें अहम का पता चलता है। जो मैं जान रहा था, जो मैं मान रहा था, जो मैं समझ रहा था, वो मैं कुछ भी हूँ ही नहीं। मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, मेरा तो नाम निशान भी नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तब आप इसको इस प्रकार से जानोगे कि आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तब आप खुद को देखकर हंसोगे भी और रोओगे भी। हंसना रोना दोनों ही होगा। जब मैं होश में रह रहा था तब मैंने अपनी अहंकार को गिरा ही दिया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं बचा ही हुआ था। आज जो इस सत्य को जाना, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ना ये जगत कुछ है, ना मेरा कुछ है, ना तेरा कुछ है, ना किसी का कुछ है, तब दया आएगी संसार को देख के। कोई कुछ पाना चाह रहा है, कोई कुछ खोकर रो रहा है, कोई कहता है ये मेरा, कोई कहता है ये मेरा, कोई खुद को बहुत ऊंचा समझता है, कोई खुद को बहुत नीचा समझता है, कोई खुद को किसी धर्म या जाति का समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ समझता है और किसी और का सबसे नीचा समझता है। और लोग लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, इन सब को देखकर दया आता है। तब जो दुष्ट से दुष्ट है उसके प्रति भी दया आता है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, जानता ही नहीं है, वे खुद को कुछ मान रहा है, खुद को कुछ समझ रहा है, उसने स्वयं को जाना ही नहीं है। इसीलिए कोई ज्ञानी पुरुष को कोई दंड भी दे तब भी वे उन सब के लिए क्षमा मांग सकते हैं, उन सब के लिए दया दिखा सकते हैं। उनको पता है
वे कितना भी दुष्ट है, कितना भी क्रूर है, पर उनको पता ही नहीं, उनमें ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए ही कर रहे हैं। वे जानते ही नहीं, इसीलिए ही कर रहे हैं। जब जान जाते तो अवश्य ही नहीं करते। जिसने जाना है उनके हृदय में, वैसे लोगों के लिए भी करुणा और दया आएगा। यहाँ तक हमने जाना कि जो हमने खुद को मान के रखा था, जो हमने खुद को समझ के रखा था, उसका कुछ भी महत्व नहीं था, अर्थात महत्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये सब भ्रम का जाल है। ये हमने जाना जो हमने मान के रखा था मैं, और इसके आगे और भी हम जान सकेंगे जो हमने कभी माना ही नहीं था और जाना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, ना कल्पना किया था। तब होगा पूर्णता का अनुभूति। तब जानेंगे कि मैं ही सब हूँ, कोई भी ना नहीं है, कोई किसी से अलग नहीं है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सच्चित आनंद हूँ, मुझसे ही सारा जगत व्याप्त है। ये ही पूर्णता का अनुभूति है। उसके बाद ना छोड़ने के लिए कुछ बचता है, ना पाने के लिए कुछ बचता है, ना होश महत्व होता है, ना बेहोशी, ना घर महत्व होता है, ना सन्यासी। बस साधना में, यात्रा में ही बहुत कुछ महत्व होता है, करना ना करना, होश बेहोशी, ये खाना ये नहीं खाना, ये अच्छाई ये बुराई, साधना में ये सब चीज महत्वपूर्ण होता है, पर अंत में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है।